हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, हम आपके आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं। और आपका यूनिट फोर्थ है सामाजिक संस्थाएं, जिसमें आता है परिवार, रिश्तेदार, विवाह, शिक्षा और धर्म। तो आपका यूनिट फोर है ये। और इससे पहले कि आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, यूनिट 1, 2 एंड 3, वो सब मैं नोट्स के साथ पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज आपका यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला टॉपिक है परिवार, फैमिली क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवार का अर्थ, जहाँ पति पत्नी के रूप में विवाहित लोग यौन संबंधों से संतान उत्पन्न करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, वही परिवार कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट, फैमिली या परिवार क्या है, जहाँ पे पति पत्नी रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी अविवाहित यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, उनके ऐसे बच्चे वहाँ रहते हैं और माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके सभी जितना भी कार्य उनका है, जिम्मेदारियां हैं, सब पूरी करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो वही परिवार कहलाता है। और स्टूडेंट, परिवार क्या है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि हम सभी परिवार के ही सदस्य हैं, परिवार में ही रहते हैं। तो देखिए, परिवार का अर्थ तो हमने देख लिया और आप ऑलरेडी ये जानते ही हैं। तो देखिए, मैकाइवर व पेज के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए परिवार की हम डेफिनेशन देखेंगे कुछ विद्वानों के द्वारा, कि कौन से विद्वानों ने परिवार को अपने अनुसार क्या कहा है। तो देखिए, मैकाइवर व पेज जो कहते हैं कि परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि परिवार एक निश्चित ऐसा संबंध है जिसमें एक समूह रहता है, समूह का मतलब जहां माता पिता रहते हैं और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं, और उनमें उनका लालन पालन किया जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था रहती है, किसकी, बच्चों के लालन पालन करने की उस फैमिली में पूरी व्यवस्था रहती है, तो वही परिवार कहलाता है। तो अब हम देखेंगे लूसी मेयर के अनुसार, कि अब लूसी मेयर भी एक विद्वान है, ये अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि परिवार क्या है। ये कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं, इसके मूल में दंपति और उसकी संतान रहती है। तो लूसी मेयर का कहना है कि परिवार एक ऐसी गृहस्थ समूह है, एक ऐसा समूह है जिसमें माता पिता रहते हैं और उसकी संतान सब एक साथ रहते हैं, और इसमें मूल दंपति और उनकी संतान रहती है। संतान यानी कि वही माता पिता के जो बच्चे हैं वही रहते हैं, तो वही फैमिली होता है, परिवार होता है। सो स्टूडेंट, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगी परिवार का अर्थ और परिभाषा लिखिए, तो आप इस तरह से परिवार का अर्थ लिख करके उसकी परिभाषाएं लिख दीजिएगा, क्योंकि परिवार क्या है आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अभी हमने पढ़ा भी है। तो अब हम देखेंगे परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो परिवार क्या है हम सभी जानते हैं, आप परिवार की विशेषताएं क्या क्या है चलिए वो पढ़ लेते हैं। तो पहला है सदस्यों का उत्तरदायित्व, यानी कि जो मेंबर होते हैं फैमिली के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य की परिवार के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, यानी एक फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उसमें जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे बच्चों को तो छोड़ दीजिए, बड़े जो हैं उनकी अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अपने फैमिली को, अपने मतलब बच्चों को, फैमिली को किस तरह से खुश रखेंगे, उनके पालन पोषण की किस तरह से व्यवस्था करेंगे। इस जिम्मेदारी को परिवार के सभी सदस्य पूरा करते हैं और अपनी अवस्था के अनुसार परिवार में सलाह देते हैं। और जितने भी लोग फैमिली में रहते हैं, जिनकी जो जिम्मेदारी होती है, जितने भी पर्सन रह रहे हैं, मेंबर रह रहे हैं, जिनकी जो जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो सभी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं
और अपनी अवस्था के अनुसार, यानी जैसे कि मान लीजिए अगर एक फैमिली में एक बड़े पर्सन है जो दादा है, उनके बाद उनके दो तीन बच्चे हैं, फिर उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, तो दादा जो है वो सबसे बड़े हुए, उनके बाद उनके बच्चे हुए, तो मतलब जिनकी जो अवस्था होती है उसी के अनुसार वो परिवार में राय देते हैं, सलाह देते हैं, मतलब जो वो कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जो उनके बड़े मतलब जो अब्बू हैं, जो दादा हैं, वो ना माने तो वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो बड़े हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। इसलिए सब अपनी अवस्था के अनुसार सलाह देते रहते हैं, जिससे परिवार में एकता बनी रहती है, यूनिटी बनी रहती है, जिससे परिवार के सभी लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट है रक्त निकट संबंध। रक्त निकट संबंध का मतलब हुआ कि मतलब खून का रिश्ता। तो देखिए परिवार के सभी सदस्यों में रक्त संबंध होता है, यानी कि एक फैमिली में जितने भी मेंबर रहते हैं सबका खून का रिश्ता होता है। यहाँ पर हर किसी का खून का रिश्ता होता है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम परिवार का सदस्य नहीं कह सकते। जैसे स्टूडेंट समझ लीजिए, सपोज दैट समझने के लिए आपका कोई दोस्त हो जो आपके घर में एकदम आपकी तरह आता जाता है, रहता है, अगर कुछ बनता है अच्छा तो आपकी मम्मी उसे रोक भी लेती है कि बेटा खाना खाकर जाना, बिल्कुल आपकी तरह आपकी मम्मी उसे चाहती है, मानती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे फैमिली का ही हिस्सा है, मेरा फैमिली मेंबर है, क्योंकि वो बाहर का है, खून का रिश्ता नहीं है, वो बस दोस्त है, उसका मान जान जरूर है परिवार में आपके, मगर आपके फैमिली का मेंबर वो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवार की विशेषताओं में ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। तीसरा पॉइंट है स्थायी प्रकृति। परिवार समाज की महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण सदैव बनी रहती है। जो परिवार है, फैमिली है, समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके कारण वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि समाज में ऐसा नहीं कि परिवार आज है तो कल नहीं होगा, यहाँ पे परिवार हमेशा सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। यह वृद्धों के स्वर्गवासी होने से तथा नए सदस्य से परिवार में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, यानी परिवार में जो पर्सन बहुत बूढ़े हो गए हैं, उम्र हो गई है, उनके स्वर्गवासी होने से और फिर जो परिवार में नए बच्चे जन्म लेते हैं उनसे जन्म मरण यानी जन्म भी होता रहता है, और जो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। इस तरह से एक परिवार में जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, जिससे परिवार की स्थायी प्रकृति बनी रहती है और ये हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण संस्था है समाज की। तो स्टूडेंट देखिए हमने परिवार की विशेषताएं तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार, काइंड्स ऑफ फैमिली, कि एक फैमिली के कितने तरह के प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए पहला टाइप है सदस्यों की संख्या के आधार पर, यानी सदस्य की जो संख्या है उसके आधार पर फैमिली कैसी होती है। देखिए तो ये आपको समझाने के लिए बना दिया स्टूडेंट। देखिए पहला टाइप है, तो ये सदस्यों की संख्या के आधार पर पहला टाइप है प्राथमिक परिवार। तो प्राथमिक परिवार स्टूडेंट एक ऐसी फैमिली होती है जिसमें माता होती है और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ माँ होती है और उसके अविवाहित बच्चों से तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि जिसमें बच्चों का शादी ब्याह अभी नहीं हुआ रहता है, मतलब अविवाहित होते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं, तो सिर्फ माता होती है और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, तो ऐसे परिवार को प्राथमिक परिवार कहते हैं। और दूसरा टाइप है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब स्टूडेंट ज्वाइंट फैमिली जो होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए ज्वाइंट फैमिली में तीन पीढ़ियां चल सकती हैं, जैसे मान लीजिए आपके दादा दादी हो गए, फिर आपके फादर हैं, आपके फादर के जितने भी भाई हैं वो सब हो गए, उसके बाद आप हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके मम्मी हैं, और फिर आपके फादर के जितने भी भाई हैं उनकी बीवियां हैं, सब एक ही घर में रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। जो सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका एक ही किचन होता है और एक ही किचन में खाना बनता है और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग एक ही किचन से खाते हैं, मिलकर काम करते हैं और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, वही होता है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो अब दूसरा टाइप है विवाह के आधार पर, यानी विवाह यानी शादी के आधार पर कैसी फैमिली हो सकती है, कैसा परिवार हो सकता है। देखिए पहला टाइप है एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जहाँ पे एक
पुरुष होता है और वो एक शादी करता है और उसकी फैमिली वहां रहती है, यानी एक पति और पत्नी रहते हैं और उसके अविवाहित बच्चे उनकी संतानें एक फैमिली में मिलकर रहती है, तो वो होता है एक विवाही परिवार। दूसरा टाइप है बहुविवाही परिवार। तो ये विवाह के आधार पर दूसरा टाइप है बहुविवाही परिवार। तो बहुविवाही परिवार में स्टूडेंट एक पुरुष एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, स्त्री भी एक से ज्यादा शादियां कर सकती है। तीसरा टाइप है स्टूडेंट संबंध के आधार पर परिवार। तो संबंध के आधार का मतलब स्टूडेंट हुआ कि एक फैमिली में किस तरह के संबंध होते हैं। तो देखिए पहला टाइप है रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवार का मतलब स्टूडेंट जैसे कि आप हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन सब रह रहे हैं एक फैमिली में, आप सभी का खून का रिश्ता है, तो ऐसी फैमिली रक्त यानी कि खून का रिश्ता है, रक्त संबंधी परिवार कहा जाएगा। और देखिए दूसरा टाइप है विवाह संबंधी परिवार। तो विवाह संबंधी परिवार से मतलब स्टूडेंट ये हुआ, देखिए समझिए कि आप रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उसके बाद आपके जितने भी भाई बहन हैं सब रह रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ा भाई है आपका, उसकी जब शादी हो गई तो उसकी बीवी भी आ गई, तो बीवी जो आई आपकी भाभी लगेंगी, तो उनसे आपका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन विवाह संबंधी परिवार ये हुआ क्योंकि उनसे विवाह हो गया तो वो आपके घर में आ गई। जहां आप लोग सभी रक्त संबंधी परिवार तो था ही, अब विवाह करके भी लोग उसमें जब बढ़ रहे हैं, आपके भाइयों की जो बीवियां बढ़ रही है, तो वो विवाह संबंधी परिवार हो गया। रक्त तो संबंध नहीं है आपसे, मगर आपके भाई से विवाह का संबंध है, इसलिए विवाह संबंधी परिवार कहा जाएगा। तो स्टूडेंट परिवार के प्रकार में चौथा प्रकार है सत्ता के आधार पर परिवार। तो देखिए स्टूडेंट मैंने डायग्राम बना बनाकर आप लोगों के लिए बहुत ही इजी नोट तैयार कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में काफी आसानी हो जाए। तो सत्ता के आधार पर परिवार का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मतलब फैमिली आपकी है तो मतलब मुखिया भी तो कोई होगा जो घर को चलाएगा, तो उस पर ही होता है सत्ता के आधार पर। तो देखिए पहला टाइप है इसमें प्रीत सत्तात्मक परिवार। तो प्रीत सत्तात्मक परिवार स्टूडेंट एक ऐसा परिवार होता है जहाँ पे जो घर के पिता हैं वही घर के मुखिया होते हैं या प्रधान होते हैं, और जब भी मतलब जैसे कि मुखिया वही होते हैं और घर का खर्चा चलाने का जो काम होता है, जो मेन जब कमाई होती है, क्योंकि हर घर का कोई ना कोई पेशा होता है, व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, तो जो भी कमाई होती है, पैसे आते हैं, तो वो सब मतलब घर के मुखिया के हाथ में होता है। सत्तात्मक परिवार में जो घर के पिता हैं वही मुखिया होते हैं और उन्हीं के हाथ में होता है और वही सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सबकी जरूरतों को पूरी करते हैं, घर में जितना भी खर्चा है रहने खाने पीने पहनने सब चीजों का वही पूरा करते हैं। और दूसरा टाइप है मातृ सत्तात्मक परिवार। तो जिस तरह प्रीत सत्तात्मक परिवार में घर के मुखिया पिता होते हैं, मातृ सत्तात्मक परिवार में घर की मुखिया जो घर की माँ है वो होती है। तो जिस तरह इसमें पिता के हाथ में सब कुछ होता है, घर की जरूरतों को पूरा करना, सबकी ख्याल सबका ख्याल करना, किसकी क्या जरूरत है सब चीज पूरा करना, तो मातृ सत्तात्मक परिवार में वो सारा काम माँ करती है। उसके बाद पांचवा टाइप है वंश के आधार पर परिवार। तो वंश के आधार पर स्टूडेंट मतलब ये हुआ कि आप एक फैमिली है तो सबका एक सरनेम होता है फैमिली में, तो उससे उससे इसका मतलब हुआ। जैसे देखिए इसमें पहला टाइप है प्रीत वंशीय परिवार। तो प्रीत वंशीय परिवार स्टूडेंट एक ऐसा परिवार होता है जिसमें देखिए वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, यानी कि जो घर के सबसे बड़े सदस्य रहे होंगे, आपके दादा रहे होंगे, उनका जो नाम रहा होगा, अब उन्हीं का नाम लगा के आपके पापा के नाम में, आपके अंकल के नाम में, आपके बड़े पापा के नाम में, सबके नाम में आपके दादा का ही नाम लगकर चलता आ रहा है, उन्हीं के नाम से वंश चल रहा है आपके परिवार का। और फिर अब वही जो आपके दादा के नाम में लगा, आपके पापा, आपके अंकल, आपके बड़े पापा सब में लग गया, अब आप लोग हैं, आप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कजिन्स हैं, यानी अंकल के बड़े पापा के जो बच्चे हैं, अब सब में फिर वही दादा वाला नाम लग रहा है। तो इस तरह से मतलब बड़े जो घर के मुखिया थे, आदमी थे, उनके नाम से चलता आता है, यानी कि पिता के नाम से चल रहा आता है, पूरी उनकी वंश चलती है, तो वो होता है प्रीत वंशीय परिवार। और मातृवंशीय परिवार में स्टूडेंट ठीक उसी का अपोजिट हो जाता है, यानी प्रीतवंशीय परिवार का अपोजिट हो जाता है मातृवंशीय परिवार में।
जिस तरह इसमें पिता का नाम चल रहा आता है, इसी तरह से मातृवंशीय परिवार में माँ के नाम से परंपरा चलती है। और नाम के आगे यानी परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उन लोगों के नाम के आगे जो माँ का नाम होता है वही लगाकर चलता है, वही सरनेम बनता है और उसी से फैमिली का जो वंश परंपरा होती है वो चलती है। तो आई होप स्टूडेंट कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद छठा टाइप है निवास स्थान के आधार पर परिवार, यानी कि निवास स्थान। अब जो रहने का स्थान है उसके आधार पर फैमिली कैसी हो सकती है, तो देखिए प्रीति स्थानी परिवार। प्रीति स्थानी परिवार मतलब स्टूडेंट यह हुआ, देखिए विवाह के बाद स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब शादी होती है लड़की लड़का की, तो जो लड़की होती है वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है शादी के बाद, और वही फिर उसका घर हो जाता है, वो वहीं पे रहती है। तो इस तरह की फैमिली को प्रीति स्थानी परिवार कहते हैं, और ये निवास के स्थान पर होता है, निवास के स्थान के आधार पर कि लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, अपने हस्बैंड के घर जाके रहती है। और इसमें देखिए मातृस्थानी परिवार, मातृस्थानी परिवार में स्टूडेंट ये हुआ कि विवाह के बाद जो पुरुष है जो दूल्हा होता है वो अपनी वाइफ के घर जाकर रहता है। इस तरह का आप लोगों ने देखा भी होगा, ज्यादा तो नहीं होता है मगर होता है, और टीवी सीरियल्स में ये आप लोगों ने जरूर देखा होगा। जो लोग टीवी वगैरह देखते हैं, एक शो आता था जमाई राजा, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें देखा होगा कि किस तरह से लड़का जो था अपने ससुराल में रहता था घर जमाई बनके। तो वही होता है मातृस्थानी परिवार की शादी के बाद लड़का अपने ससुराल जाके रहता है, और प्रीतिस्थानी परिवार में लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाके रहती है। सो स्टूडेंट आपके यूनिट 4 का पहला टॉपिक परिवार है, जिसको आज हमने पूरा पढ़ लिया, समझ लिया इसकी विशेषताएं, इसका अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिश्तेदार, तो आपका नेक्स्ट वीडियो रिश्तेदार के ऊपर मिलेगा। तो इस वजह से अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।